शनिवार को नगर और क्षेत्र के नागरिकों ने धर्मेंद्र रघुवंशी उर्फ आदित्य के विरुद्ध बने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर धारा 377 की FIR को खत्म करने और न्याय संगत कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम रेंज के नाम थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि 27 अप्रैल को धर्मेंद्र रघुवंशी उर्फ आदित्य के खिलाफ उनकी पत्नी की आवेदन की धाराओं पर 377 का मामला दर्ज हुआ था। उनकी पत्नी ने अपने ससुराल अपनी इच्छा से गई थी, जबकि उस समय किसी भी प्रकार की कोई शिकायत और बात नहीं थी। वहीं वे मायके पहुंचने पर ससुराल वालों के पास आने से मना करने लगी। उनके परिवार वाले पैसों की मांग करने लगे। वहीं दोनों ही परिवार की उपस्थिति समाज के लोगों की सामने हुई, जहां समाज के बुजुर्गों ने निर्णय लिया था कि पत्नी के द्वारा पति पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और झूठे हैं। वहीं अचानक 4 महीने के बाद पीड़ित पर 377 का मामला दर्ज करना कई संदेह को जन्म देता है। वहीं इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धारा 377 को समाप्त करने की मांग की गई और उचित कार्रवाई की भी मांग की गई है। समाज के लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र रघुवंशी और उनका पूरा परिवार सामाजिक और धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और अपनी सहभागिता भी निभाता है। इससे परिवार की सभी समाज में उनकी प्रतिष्ठा है और अन्य समाज के लोगों का भी उनके प्रति झुकाव है, इसलिए उनके खिलाफ की गई शिकायत पर न्याय संगत कार्रवाई की जाए। आयोजित कार्यक्रम